और इसमें भाग ले रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनसे हमारी संवाददाता रीमा प्राशर की भी बात होती है और वो उदय हो रहा है ये हम नहीं कह रहे बल्कि वो तमाम आंकड़े कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। उन आंकड़ों से पता लग रहा है कि अब भारत के नक्शे पर उत्तर पूर्व कहां है। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, असम के मुख्यमंत्री, वाइब्रेंट असम की भी हम बात करेंगे उनसे क्योंकि वो ना सिर्फ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं राज्य के बल्कि नॉर्थ ईस्ट का चेहरा भी हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब भी कोई बात होती है तो उनका चेहरा सामने आता है और बेबाक बातचीत भी हम उनसे करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही स्वागत है आपका हेमंत बिस्व शर्मा जी। शुरुआत में इसी से करूंगी क्योंकि मैंने आंकड़ों का जिक्र किया और मैं लगातार देख रही थी कि असम और नॉर्थ ईस्ट के बारे में किस तरह से आंकड़े बता रहे हैं कि 2026 तक आपने ये लक्ष्य रखा है कि असम को देश के विकास में जो सबसे अग्रणी राज्य हैं टॉप 5 उनमें अपने आप को लेकर जाएंगे, तो ये विकास का लक्ष्य कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। There's a two way of looking at it. If you say that economically we'll be at top 5, it's at present difficult to achieve because we are at present at 17th. So from we were 21, we came up to 17. So my goal is to see that by 2026 in terms of GDP, probably we can go another 2 spot more. But when it comes to social indicator, various kind of social indicator, economic indicator, indicator on health, education, clean water supply, I think we can be at that range if things go like this way. Or usme mein bahut jyada, I don't see any big hurdle on that. क्योंकि अब जिस तरह आप तो शिक्षा और खासकर स्वास्थ्य है ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमेशा आपका फोकस रहता है। अब जब असम के बारे में उत्तर पूर्व के बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं या कहीं पर भी पढ़ते हैं, पहले जहां कुछ ऐसी खबरें आती थी जो दिल को दुख देती थी लेकिन अब ये खबर आती है कि आज प्रधानमंत्री ने इतने हजार करोड़ की ये सौगात असम को दी, उत्तर पूर्व को दी। हर हफ्ते कुछ ऐसी खबरें अब असम से भी आ रही हैं, इन राज्यों से भी आ रही हैं, इस बदलाव का जिक्र आप कैसे करेंगे? आप देखिए बिफोर 2014 असम डेवलप बट असम डेवलप इन ए वेरी स्मॉल पेस। आई नॉट से दैट स्टेट वाज नॉट डेवलपिंग। एवरी ईयर यू विल गेट सम काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ एवरी ईयर बट पोस्ट 2014 there is a specific policy on the part of government of India that North East should develop and North East should become a part of the mainstream state. So the first point of priority was transformation through transportation. Our Prime Minister believed that for a region from a landlocked to accessible from all the parts of the country, you need to focus on the transportation. So if you look at statistics and also on the result, railway is spending almost 60,000 crores for the improvement of railway connectivity in the region. Assam, we had a single track railway line. Movement of rails were very slow because until a junction comes, two rail cannot cross. Now that double track has been laid across the Assam and beyond. Earlier we used to run the engine on diesel, now electrification has been completed. Rajdhani has been there in connecting all the state capitals. And also, you have engineering landmark like Bogibil completed during this period. So, railway is spending almost that kind of amount, which, I mean, sitting in this region, you could not even expect that kind of investment. Similarly, on the national highway,
75,000 crores is being spent currently for expanding national highway network. The number of highway has increased, the pace of four laning has increased, and over the river Brahmaputra, now every year new bridges are coming, which in fact एक प्रकार से अनथिंकेबल था. अभी जैसे हमारा एक माजुली नदी डिव है, ये पोस्ट 2014 हमें इनको जोरहाट से भी कनेक्ट करने के लिए काम शुरू किया और पीछे लखीमपुर से भी कनेक्ट करने का काम शुरू हो गया है. अभी आप गुवाहाटी ही देखिए तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हमें पलासबाड़ी सुवालकुसी में ब्रिज होगा, सरायघाट में सेकेंड पुल कंप्लीट हो गया, अभी रेलवे का सेकेंड पुल बनना शुरू हो जाएगा, गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज इज इन वर्ज ऑफ कंप्लीशन, नारेंगी कुरुआ का ब्रिज का काम शुरू होने वाला है, कलिया भूमुरा में सेकेंड ब्रिज ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र समाप्त हो गया है. अभी जाके लास्ट वीक ये बात भी आया है कि नहीं, अभी गोलाघाट और गौहपुर को कनेक्ट करके हम टनल भी बनाएगा ऑन ब्रह्मपुत्र. सो एवरी डे न्यू थिंग्स आर कमिंग. सिमिलरली नेक्स्ट फोकस वाज ऑन रिवर वे. बेसिकली वी डोंट हैव सी, सो कनेक्टिविटी थ्रू इनलैंड वाटर, उसमें भी अभी फोकस है. आसाम का भी नुमोलीगढ़ रिफाइनरी एक्सपांशन का काम चल रहा है. All the heavy machineries are being transported through the river road, relieving road from that kind of congestion. So connectivity में बहुत काम हुआ. फिर medical sector में, health sector में COVID का समय आसाम का response बहुत बढ़िया रहा. I can proudly say that by if you go by simply statistics, हमारे response Kerala से भी अच्छा था. Because ऐसे जब भारत का हेल्थ केयर का बात आते हैं, केरला कम आउट एज ए मॉडल स्टेट, बट इफ यू जस्ट टेक रेस्पॉन्स टू कोविड, हमारा रेस्पॉन्स थ्रू ऑल स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम मोर्टेलिटी टू आईसीयू एक्सपांशन, सारे जो स्टेटिस्टिक्स है वो केरला से बेहतर रहा. फिर हमें प्रयास किया कि हर जिला में हम एक मेडिकल कॉलेज करेगा, तो हमारे लिए ये अनथिंकेबल था. लेकिन देखते देखते 12 हो चुका है, अगले साल और एक का हो जाएगा. बाय 2029 वी विल हैव वन मेडिकल कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. एजुकेशन में हमें बड़ा एक्सपांशन किया. यूनिवर्सिटी हर साल दो दो नया यूनिवर्सिटी हो रहा है. इस साल हम लोग 6 नया यूनिवर्सिटी एक साथ करने जा रहा हूं. फिर एम्स का शुरुआत हुआ, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शुरुआत हुआ, हायर एजुकेशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम आराम से शुरू हो गया है. तो नाउ एक्सपांशन इज देयर कंप्लीटली. जो 2014 का आगे सोचने के लिए भी यू विल फील सम काइंड ऑफ नर्वसनेस कि ये सोच भी क्या सकता हूं. अभी भी मैं जब टनल का बात करता हूं कि गोलाघाट गौहपुर में टनल होता है, पहला दिन जब मैं अनाउंस करता हूँ लोग सोशल मीडिया में मुझको ताना मारते हैं कि भाई ये क्या बात आप बोलते हैं, ये क्या आप व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम यू आर सेलिंग, आप क्यों ऐसा बात बोलते हैं. बट धीरे धीरे जब फाउंडेशन से उद्घाटन तक जाते हैं तो लोगों को महसूस होता है कि ये नया आसाम है. तो मेरा लगता है कि आसाम इज ऑन ग्रोथ पथ. आसाम अच्छा आगे चल रहा है एंड विल बी अलोंग विद द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट will be the main contributor to the national growth scenario after few years. और इसीलिए आपने, क्योंकि ट्विटर सोशल मीडिया की बात की, आप जो लोग जो आप कह रहे हैं, जो लोग आप पर सवाल खड़ा करते हैं कि असम ये नहीं कर सकता, और लोगों के लिए जैसे देखिए पहले मैंने बोला काजीरंगा का ऊपर विल क्रिएट 32 किलोमीटर ऑफ एलिवेटर रोड. तो लोगों का मन में प्रश्न आते हैं कि ये कोई मीडिया में कुछ हाईलाइट लेने के लिए ये बात बोला जाता है. बट वही बात जब आप नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से इसका क्लियरेंस आते हैं, डीपीआर बन जाते हैं, टेंडर तक चला जाते हैं, तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास होना स्टार्ट होता है नहीं नहीं ये हो भी सकता है. तो जब हमने गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज का बात किया, अभी गुवाहाटी में पुल हो रहा है,
तो लोग दे मोस्ट ऑफ द पीपल आई विल से 99% ऑफ द पीपल वेर इन डिनाइंग मोड कि ये हो ही नहीं सकता है. तो आज इट इज रियलिटी, वन कैन सी एंड वन कैन सी द पेस ऑफ द वॉक. इतनी आपने जो ये बात बताई, खासकर विकास की ये जो गाथा है, दूरदर्शन भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेगा अगर आप ये बताएं और ये समझाना चाहें कि किस तरह से ये जो विकास की गाथा है, खासकर कल्चर को लेकर या जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें हम भी अगर भागीदार बनना चाहें, क्योंकि ये सबको बताना बहुत जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट और खासकर असम कहाँ पहुंच गया है. देखिए अभी इफ यू कंपेयर लास्ट 5 years, असम इज रिकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 13% ग्रोथ. कोविड का समय में इन दैट 2 year भारत का फ्यू स्टेट हैज रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ, असम इज वन अमंग देम. लास्ट ईयर वी रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 19%. इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोथ असम को ही मिला है लास्ट ईयर इकोनॉमी फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो मेरा लगता है कि हमें जो हुआ है, मैं तो आपको 2-3 मिनट में जो मेरा आया मैंने ही बोला हूं. जैसे हमने आज कौन बिलीव करेगा कि असम जैसा स्टेट में नॉट वन नॉट टू 17 कैंसर हॉस्पिटल विथ रेडिएशन काम कर रहा है. अभी कौन बिलीव करेगा कि पूरा इंडस्ट्री 4.0 के लिए हमें पूरा आईटीआई पॉलिटेक्निक को 3,000 करोड़ रुपया खर्चा करके वी आर कंप्लीटली चेंजिंग सो दैट लोगों को इंडस्ट्री 4.0 का एक एक्सपोजर मिले. तो मेरा लगता है कि बाई 2026 विल बी इन ए न्यू असम कंप्लीटली. जो प्रोसेस हम लोग स्टार्ट किया था इन 2014, प्रधानमंत्री जी ने जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, मेनी प्रोजेक्ट्स विल कम टू एंड बाई 2026. तो इट विल बी ए कंप्लीटली, आई बिलीव दैट हमें ये बात रखना चाहिए. दूरदर्शन कैन गिव दैट काइंड ऑफ पब्लिसिटी, वी कैन एक्चुअली सी. दिस ईयर प्रधानमंत्री जी 16 अप्रैल असम में आया, एक ही बातों से उन्होंने एम्स गुवाहाटी भी उद्घाटन किया, नलबारी कोकराझार नौगांव मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया, 4 मेडिकल इंस्टीट्यूट जी. और सारे में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद जोड़ा हुआ है जी. तो ये एक नया असम है. ये नया असम बनने में इतना समय क्यों लगा? और बात फिर इतिहास की आती ही है, क्योंकि लगातार आप इस बात का जिक्र करते हैं कि इतना समय आजादी के बाद से यहाँ तक पहुंचने में क्यों लग गया. देखिए पहले एक नॉर्थ ईस्ट का ऊपर अंडरस्टैंडिंग कम था कि हमें नॉर्थ ईस्ट का जो फॉल्ट लाइंस है, देयर आर फॉल्ट लाइंस एंड देयर आर डिफिकल्ट फॉल्ट लाइंस. लेकिन लोगों का मन में ये नहीं था कि कैन वोडोलैंड फाइनली कम बिकम ए आइलैंड ऑफ पीस. ये लोगों का सिटिंग इन गुवाहाटी एंड लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 20 years, कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि बोडो पीपल विल से दैट वी डू नॉट वांट टू डिवाइड असम, वी वांट टू लिव पीसफुली विद डिग्निटी. ये कोई बोडो पीपल बोल सकता, ये संभव नहीं था. मैंने जब लास्ट चुनाव में कोकराझार में इलेक्शन कैंपेन में गया था एंड माय इलेक्शन रैली हुआ था, आई थिंक आई एम द फर्स्ट असामीज पॉलिटिशियन इन लास्ट 25 years हैविंग रैली इन कोकराझार टाउन फॉर इलेक्शन. संभव नहीं था. तो कार्बी आलंग में पीस हो गया, आगे जाके हमें बहुत सारे पीस एकॉर्ड, सेटलमेंट ऑफ इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट, ये जो पीस का दिशा में काम हुआ एंड पीस इज बैक्ड बाय डेवलपमेंट, ये जो दोनों काम शुरू हुआ. पहले वो काम करने का लोगों का पास पॉलिटिकल जो एक विल होना चाहिए था, उसका अभाव था और वास्तविक भी नहीं लगता था कि यह संभव है. प्रोबेबली नॉर्थ ईस्ट वॉज वेटिंग फॉर ए ग्रेट स्टेट्समैन टू अराइव. लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो असम से ही राज्यसभा के मेंबर. देखिए मैं कंपेयर करना नहीं चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, असम से राज्यसभा का भी सदस्य था, जो हो सकता है वो किया होगा, आई डोंट से. बट इफ यू आस्क मी कि मनमोहन सिंह जी का समय में क्या हुआ है, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर यू राइट अवे कि भाई मुझको सोचना पड़ेगा कि
ठीक है, कुछ कुछ काम तो हुआ होगा, बट इफ यू आस्क अबाउट अ लैंडमार्क, अभी 20 साल का बाद कोई बोलेगा नरेंद्र मोदी जी का समय में क्या हुआ, पीपुल कैन विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग कि एम्स गुवाहाटी हुआ था, ये बोगीबिल पुल का उद्घाटन हुआ था, ये ढोला का ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, जो एक इंस्टेंटली बोल सकता है वो आंसर नहीं आएगा, बट ठीक है, दैट वाज द टाइम। अभी उनका मन में शायद उनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए था, जो पार्टी का पॉलिसी होना चाहिए था कि गोइंग ऑल आउट फॉर नॉर्थ ईस्ट, शायद वो नहीं था। सो आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भाई आपका समय में क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ है, बट फाइनली इट हैज हैपेंड। द पॉजिटिव, द बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग इज दैट फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग इन असम एंड हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट खास करके। और हम भी किसी का जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन आंकड़े तो जिस पे मैंने शुरू में कहा कि झूठ नहीं बोलते, पहले अगर 600 मीटर एक दिन में सड़क पर 20 किलोमीटर, कभी-कभी आंकड़े भी झूठ बोल सकता है लेकिन आंख तो झूठ नहीं देख सकता है ना। सो नाउ यू कैन दिस थिंग्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन, नाउ यू कैन सी, नाउ वंदे भारत ट्रेन, एक्चुअली यू कैन राइड ऑन द ट्रेन। तो अभी इट इज नॉट द नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, पार्टिकुलरली असम डेवलपमेंट इज नाउ नॉट कन्फाइंड टू स्टेटिस्टिक्स, कभी कभी स्टेटिस्टिक्स भी आप बनवा दिया, लेकिन नाउ इट इज विजिबल, इट इज बिफोर यू। तो सुबह आप जब आप गुवाहाटी रेलवे गुवाहाटी एयरपोर्ट कल जाते हैं, आप पान बाजार जाके आप वहां में 2 मिनट होल्ड करके आप ब्रिज देख सकता है, अगर गूगल करता है तो यू कैन सी दैट बोगीबिल एंड ढोला ब्रिज, अगर आप थोड़ी आगे जाते हैं यू कैन सी द एम्स, थोड़ा और गूगल मारे तो आप देखेगा कि धुबरी फुलबारी में भी 4,000 करोड़ रुपया खर्चा करके ब्रिज बन रहा है, द पोस्ट यू कैन सी थिंग्स आर हैपनिंग। सो इट इज नाउ नॉट कन्फाइंड टू स्टेटिस्टिक्स, इट्स नाउ रियलिटी, थिंग्स आर बिफोर यू आईज। हिमंत जी, आपने एयरपोर्ट की बात की, तो कल जब हम एयरपोर्ट आए और वहां लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि अब तो हर हफ्ते एक कोई ना कोई मंत्री यहाँ पर आ रहा है, हर 15 दिन में पता लगता है। अभी आने का मुश्किल हो गया, परसों दिन मैं दिल्ली से आया, मुझको टिकट ही नहीं मिला आने के लिए, मैं आई हैव टू टेक ए फ्लाइट एट 4:50, मैं जीवन में इतना जल्दी उठ के फ्लाइट में नहीं गया था, मुझको बुलाया गया कि सर दिन भर फ्लाइट नहीं है आपका। क्या वजह थी? फ्लाइट ही नहीं है गुवाहाटी में, कोई गुवाहाटी का कोई फ्लाइट में आपका पास टिकट ही नहीं है, फ्लाइट एवरी डे वन आफ्टर अनदर फ्लाइट इज बीइंग एडेड, लेकिन कोई दिल्ली गुवाहाटी कलकत्ता गुवाहाटी हैदराबाद गुवाहाटी कोई फ्लाइट में आपका टिकट नहीं है। लास्ट ईयर से दिस ईयर वी रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 570% इन टूरिस्ट इनफ्लो, 570% इजाफा हुआ है टूरिस्ट इनफ्लो में। एज ए सीएम अगर मैं अक्टूबर नवंबर में काजीरंगा भी होटल का सीट मांगू मुझको नहीं मिलेगा, आप भी मुझको फोन करे कि मैं काजीरंगा आना चाहता हूँ मुझको होटल दीजिए, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू दैट फैसिलिटी। ये तो अच्छा संकेत है, और ये बहुत अच्छा संकेत है बहुत। इसीलिए असम में आज का दिन एजिटेशन नहीं है, असम का एक मिलिटेंसी का साथ और एक बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ था कि लॉट ऑफ स्ट्राइक एजिटेशन बान पिकेटिंग देयर, लास्ट 2 ईयर्स कोई बंद नहीं है, कोई पिकेटिंग नहीं है, पीपल आर इन्वॉल्विंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बच्चा पढ़ रहा है, इसलिए हमने सिस्टम कर दिया कि भाई यू विल नॉट गेट जॉब ऑन रिकमेंडेशन, आपको पढ़ के ही जॉब मिलना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेला का शुरुआत किया, हमने स्टेट गवर्नमेंट से ही 87,000 बच्चा को नौकरी दिया इन लास्ट 2 ईयर्स। हालांकि गुवाहाटी से दिल्ली की दूरी मात्र 2,000 किलोमीटर के आसपास ही है, लेकिन अभी तक दिल्ली बहुत दूर थी। देखिए दिल्ली का एक दिल्ली जाने का एक मतलब ही अलग था कि दिल्ली जाना है। अभी आप सुबह 5 बजे भी दिल्ली जाने का फ्लाइट है, रात 11 बजे आने के भी दिल्ली से फ्लाइट है। सो कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी, देखिए मैं इसीलिए जानबूझ के आपको मैं यही उत्तर देना चाहता हूँ कि कनेक्टिविटी इन रियल टर्म्स और कनेक्टिविटी बाय हार्ट, ये दोनों हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। मतलब आपका ही उदाहरण देते हो, मैं 20 साल पॉलिटिक्स किया, कभी दूरदर्शन ने तो कॉन्क्लेव नहीं किया, आप तो किया है अभी। लेकिन ये वो नया भारत और नया अभी मैं देखिए 2001 में मैंने एमएलए हुआ और उसका पहले भी मैं पॉलिटिक्स में था,
कभी मैंने नहीं देखा कोई असम सीएम को दूरदर्शन कभी इंटरव्यू लेना लेते हैं या यहाँ आके लेते हैं। हम तो दूरदर्शन में देखने के लिए भी कैमरामैन को बात करता था, भाई हमको थोड़ा दिखाओ बोल के पहले। तो ये सिचुएशन था, लेकिन आज तो आ भी आया है, तो इसका मतलब क्या है कि नाउ पीपल आर रीचिंग टू नॉर्थ ईस्ट, द आउटरीच टू नॉर्थ ईस्ट नाउ कंप्लीट। अभी मैं ही पहला सीएम होगा, मेरा पहले गोगोई साहब यहाँ 15 साल सीएम रहा, उनका कभी सौभाग्य जीवन में नहीं होगा कि दूरदर्शन में कभी बैठ के इंटरव्यू देने का। ही वॉज ए ग्रेट स्टेट्समैन बट नहीं था मौका। बट आज पूरा अप्रोच बदला है और उसका नॉर्थ ईस्ट काफी बेनिफिटेड हुआ। इसीलिए हमने आपसे ये पूछा भी था कि कैसे हम भागीदार बन सकते हैं इस बदलाव की जो स्टोरी आप तो बन ही चुका है यहाँ के, लेकिन मेरा मेरा रिक्वेस्ट होगा कि असम और नॉर्थ ईस्ट में जो काम हुआ है एक वो, सेकंड जो हमारा हिस्टोरिकल आइकॉन्स है, मैं चाहता हूं कि हमारा जो हिस्ट्री है बहुत रिच है। इफ वी गो टू कर्नाटका, वी डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस लीजन, आपको कैंपा ग्वाडा से लेकर काफी सारे लीजन का बात मन में आएगा। महाराष्ट्र जाने से आपका शिवाजी महाराज का बात याद में आएगा, पंजाब जाने से या भारत का और कोई जगह जाने से आपको गुरु गोविंद सिंह का बारे में आएगा। इक्वली लासित बोरफुकन फॉट विथ मुगल, बट हम किसी ने ये स्टोरी बाहर में नहीं बोला। नाउ अभी हमारा बिहू इसमें इतना रिचनेस है, भांगड़ा का बारे में लोग जानते हैं और जानना भी सही है, दैट्स ए रिच डांस फॉर्म, बट व्हाट अबाउट बिहू, लोग नहीं जानते थे, बट हमारे डांस फॉर्म भी काफी रिच है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने नॉट ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, असम का कल्चर का बारे में हर वक्त उनको आप इफ यू इज इन सिंगापुर जापान आपको दिखाई देगा ही इज विथ असम इज गामोसा। सो दीज आर रेयर ऑनर फॉर ए स्टेट, वो नहीं होता था बिकॉज जीआई टैग हो चुका है। गामोसा का एक बहुत बड़ा हमारा जो अस्मिता का साथ जुड़ा होता है, दैट इज बींग इन द इंटरनेशनल स्टेज नेशनल स्टेज। प्रधानमंत्री जी ने लासित बोरफुकन का भी समारोह में आया, बिहू में भी आया, तो ही इज ट्राइंग टू रिमेन इमोशनली कनेक्टेड विद द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड पीपल ऑफ असम। जब एक प्रधानमंत्री का हमारे नेशन क्या इंडिया क्या है, वी फॉलो द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द नेशन। जब उनका मन में उत्तर पूर्व का संबंध में एक विशेष ध्यान रहता है, इमोशनल कॉर्ड दिखाई देता है, बाकी सब चीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं। इफ यू एनालाइज बिफोर 2014, थोड़ा एसएमईज लुक कम है बिकॉज आवर फिशर्स आर मोर और लेस कॉमन टू द अदर नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन, बट व्हेन यू कम टू असम ट्राइबल पॉपुलेशन और नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, दे यूज टू फेस लॉट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज पीपल वे नॉट अवेयर कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मंगोलॉइड फिशर का लोग होता है एंड दैट्स पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे आर नॉट एलियंस। बट ये सब बात का जिगर नहीं होता था, बट जब प्रधानमंत्री जी खुद नॉर्थ ईस्ट का एम्बेसडर बन गया, नाउ यू विल सी द स्टोरी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, न्यूज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आर डिक्लाइनिंग लाइक एनीथिंग। अभी नहीं है, थोड़ा दिन पहले प्रधानमंत्री जी गया था कर्नाटक में, हमारा कर्नाटक का मुख्यमंत्री उनका साथ बैठा था, तो आउट ऑफ टर्न प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि उत्तर पूर्व का कितना लड़का ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन में गया था। तो फिर उस समय बोमाई जी सीएम था, वो रात में मुझको फोन किया, क्या नॉर्थ ईस्ट में कुछ है क्या, प्रधानमंत्री जी मुझको बार बार नॉर्थ ईस्ट का बारे में पूछते रहा। मीनिंग व्हाट, ही सेंड ए सिग्नल टू द कर्नाटक सीएम दैट लुक take care of North East student. So those kind of things he used to do whenever he used to go to the other state.
हर जगह में जाके पूछता है नॉर्थ ईस्ट का कितना है, ऑफिसर मिलने आते पूछने से नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है. तो दीज गिफ्ट्स दैट ब्रिंग नॉर्थ ईस्ट इनटू अ स्पेशियल फोकस ऑफ द नेशन. तो ये सारे चेंजेस पोस्ट 2014 हमें दिखाई पड़ा है. आपने फिर एक बार पोस्ट 2014 की बात की हेमंता जी, इसीलिए शायद कुछ लोगों को ये सब चीजें पच नहीं रही हैं कि असम या नॉर्थ ईस्ट इतना आगे बढ़ सकते हैं, और इसीलिए वो जब उनके ऊपर सवाल आप खड़ा करते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों को रियर व्यू में देखने की आदत है, देखिए तो आप आगे नहीं देखना चाहते. एक कंट्री को अगर डेवलप करना है रियर व्यू देखना ही पड़ेगा. सो इफ यू डोंट एनालाइज पास्ट यू कैनॉट बिल्ड फ्यूचर. पास्ट आपके लिए जरूरी है, बट हमारा देश में बहुत सारे पार्टी है जो पास्ट को देखना नहीं चाहते हैं, बिकॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट इज सो शेमफुल दैट दे डोंट वांट टू सी देयर ओन करियर ओन गवर्नमेंट. अगर आप मुझको बोले कि आप पास्ट में जाओ, यू आर एजुकेशन मिनिस्टर इन असम इन 2006, व्हाई डोंट यू लुक एट दैट फेज. आई विल स्पीक गुड अबाउट दैट फेज ऑल्सो. बट कोई सारे पॉलिटिकल पार्टी है जब हमें पूछता हूं भाई आपका सरकार का बारे में थोड़ा जिगर कीजिए, तब बोलता है रियर व्यू मत देखो. इसलिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, करने का मन नहीं था, और आगे जाके भी उनका करने का कोई इरादा नहीं है. अभी आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जिगर किया, मैं आई एम जस्ट कीपिंग हिम लिटिल असाइड. कोई भारत का प्रधानमंत्री 60 times नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया होगा ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है. 60 times लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी 2 बार आए, राष्ट्रपति जी आए, उपराष्ट्रपति जी आए, गृह मंत्री जी आए, एंड ऑल हैज कम टू गिव समथिंग टू नॉर्थ ईस्ट. ये नहीं है कि काजीरंगा देखने आए हैं, दे ऑल कम टू गिव समथिंग टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो ये बहुत बड़ा बदलाव आज नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, असम में हो रहा है. एंड मेरा लगता है कि दिस इज अ बिग सर्विस टू दिस नेशन. फिर इसके बाद बात होती है भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये मुद्दे हमेशा चुनाव में सबसे बड़े रहते थे. लेकिन अब जब आप एक बदलाव की कहानी बता रहे हैं तो ये जो दो मुद्दे हैं आपको लगता है ये अब यहाँ से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि एटीएम समझना नॉर्थ ईस्ट को ये भी बयान आता है. ये देखिए, एक तो मेरा नहीं लगता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो बात थे ये, बिकॉज यू हैव टू सी दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर इज फाइटिंग करप्शन. नाउ अगर कांग्रेस का समय होता था, कृषक सम्मान निधि का धन स्टेट गवर्नमेंट में आते थे फास्ट, देन इट वुड हैव गॉन टू डीसी, डीसी से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत, पंचायत से फार्मर. नाउ राजीव गांधी इज ऑन रिकॉर्ड कि हर स्टेज में कट होता था ना. अभी प्रधानमंत्री जी एक ही बटन दबाता है, 2 मिनट में सबके अकाउंट में पैसा आ जाते हैं. नाउ वेयर द करप्शन कैन हैपन, स्कोप ही नहीं है. जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट किया, डीबीटी प्लेटफॉर्म किया, सो भ्रष्टाचार का बारे में आजकल लोग चर्चा करना बहुत कम कर दिया. देयर इज सम स्टिल कोई कोई सर्विसेज होगा इंप्रूवमेंट का, नहीं इंप्रूवमेंट का जरूरत है, वो भी इंप्रूवमेंट के लिए सबका मन है कि ये नहीं होना चाहिए. परिवारवाद मेरा लगता है कि इफ यू लुक एट द इंडियाज लैंडस्केप, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी हु बेसिकली परिवारवाद को ही प्रिफर करता है या फादर सन पार्टी काइंड ऑफ था, दे आर इन डिक्लाइन. मेरा लगता है कि विद इन नेक्स्ट 5 to 6 years दिस पार्टीज विल फिनिश with this defeat. Congress Parivarvad will finish by 2024. I think they cannot withstand third defeat with the same family. I think this is the last chance to that family ki aap jito to jito nahi to you go away. I think this is the last warning. You have seen the family politics in Karnataka, in Uttar Pradesh, you have seen the family politics in Bihar, you have, if you see the family wala jo rajniti hai वो भारत से ही खत्म होते जा रहा है. और फॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट में अभी इन माय बिलीफ दैट बीजेपी एंड एनडीए हैज कम परमानेंटली फॉर द नॉर्थ ईस्ट फॉर सम टाइम टू कम. हेमंता जी, आज क्योंकि आपने कहा कि सभी परिवारवादी पार्टियां खत्म होती जा रही है, आज की ये खबर है कि आज
एनसीपी की जो कमान है वो पूरी तरह शरद पवार जी ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंप दी है, तो अब महाराष्ट्र में भी वो बात दिख गई है सामने। देखिए, शरद पवार जी ने सुप्रिया जी को सौंपा है और सुप्रिया जी और हो सकता है उनका कोई अगर बेटा बेटी है उनको सौंपेगा। नाउ दिस इज एक्टिविटी इन द पार्टी, बट वो गवर्नमेंट में नहीं आ सकता है। अभी भारत का नया जनरेशन, न्यू जनरेशन विल नॉट अप्रूव दैट। नाउ इंडियाज लीडर विल बी सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ए फादर कैनॉट चूज द लीडर ऑफ इंडिया। फादर कैन चूज हु विल बी योर पार्टी प्रेसिडेंट, but he cannot choose who will be chief minister of Maharashtra or prime minister of India. That will be chosen by the people of India. 2024 के लिए तो विपक्ष ने अपना नेता तो चुन लिया है राहुल गांधी को। Competition है उसमें, नीतीश कुमार जी तो भी बोल रहे हैं कि मुझको होना है, तो उसमें भी competition तो है ही। वो कह रहे हैं उनको वो सिर्फ charity कर रहे हैं सबको एकजुट करने की। मेरा लगता है उसमें भी बहुत भरपूर competition है। Competition में कोई कमी नहीं है और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा, यू विल सी दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर विल इमर्ज एज न्यूक्लियस टू एवरीथिंग। धीरे धीरे लोग प्रधानमंत्री का बात छोड़ देगा, पीपल विल ओनली सी दैट हाउ वी कैन सर्वाइव। इसलिए मोदी जी बिकम इन माई व्यू नॉट एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो अभी भारत का जो उत्थान है विश्व परिप्रेक्ष्य में, अगर थोड़ी दिन इफ वी कैन मेंटेन दिस मोमेंटम देन इंडिया विल बी द, मेरा लगता है कि विल स्टार्ट कॉम्पीटिंग विद चाइना एंड अमेरिका इन रियल सेंस ऑफ टर्म। अभी 2 साल में विल बिकम थर्ड इकोनॉमी, उसका बाद तो कॉम्पिटिशन अमेरिका और चाइना से ही करना है। नाउ अभी आप अगर देखे जो भारत में जो जो कीर्तिमान अभी कर रहा है, यू कैन जस्ट कंपेयर विथ सुपर पावर्स। और कौन नेशन में इतना हालचाल है? आप देखिए भारत का भी रूपी इतना स्ट्रांग हो गया कि पीपल आर सेइंग दैट हम ट्रेड, हम रूपी से ही ट्रेड करेगा, डॉलर का जरूरत अभी नहीं है। तो पहले हम लोग कभी बाहर जाते थे, हम होटल का बोर्ड में देखता था, भाई सब करेंसी का नाम है, रूपी का नाम क्यों नहीं है? That is the question we used to ask, कि ये लिस्ट में रुपी नहीं क्यों नहीं है? But those things are being answered now. कि नहीं, पहले नहीं था, your rupee was weak. Now you can trade on rupee. You can just forget. अभी आप रूसिया से ट्रेड करो, जापान से आप ट्रेड करो, सिंगापुर से आप ट्रेड करो, आपको डॉलर का जरूरत नहीं। You can just take rupee. You can do your trade with rupee. So ये जो एक भारत का नया कीर्तिमान है, इस हिसाब से अगर हम चले और 10 साल, आई थिंक द कंट्री विल कम्पीट एंड कंट्री विल बी बेटर देन अमेरिका एंड चाइना। हेमंत दा, आपने चाइना का बार बार जिक्र किया इस पूरे विकास की कहानी में। भारत जो बदल रहा है और नया भारत, उसकी दास्तान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अब विदेशों में भी लिखी जा रही है। वहां पर भी जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी बात बता रहे हैं और कर रहे हैं, उनका इतना सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। फिर एक अचानक से बयान आता है चीन को लेकर आता है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर आता है, भारत में लोकतंत्र को लेकर आता है। तो ये क्या किसी मोटिव के तहत ये सब हो रहा है, या आपको लगता है कि इसके पीछे फिर एक राजनीतिक गाथा लिखने की कोशिश है? देखिए, जब फॉरेन में जाके कोई कंट्री को क्रिटिसाइज करता है, आपको यही, आपको जो एक तुरंत जो कंक्लूजन आते हैं कि ऑडियंस कौन था, ऑडियंस का कैरेक्टर कौन था। अगर जो भी व्यक्ति जाके अभी फॉरेन में भारत को क्रिटिसाइज कर रहा है और जो लोग तालियां बजा रहा है, उसमें आप और हम जैसा लोग नहीं है। कौन लोग है वो? तो वो तो आधे तो पाकिस्तानी बैठा रहते हैं वो सब सभा में। एटलीस्ट आई कैन फाइंड आउट, लोगों ने मुझे तस्वीर तो झूठ नहीं बोलता है। तो आधे तो पाकिस्तानी बैठे रहते हैं और काइंड ऑफ पीपल दे इनवाइट टू दिस मीटिंग। तो ये ही बात, वो भारत में क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए भारत का कानून तो नाम लेने से बच नहीं, 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 इसकी बात हो रही है। आपने देखिए सभी की बात, जो भी भारत का बाहर जाके भारत का बात बोल रहे हैं, दे कैन से द सेम थिंग इन इंडिया।
पर भारत में क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज भारत का कानून लोग उनका खिलाफ कोर्ट में जाएगा, डिफामेशन करेगा, दैट ही कैनॉट विथस्टैंड। तो इसीलिए कोई एक व्यक्ति जाके विधानसभा में अंडर द प्रिविलेज नरेंद्र मोदी को जो भी बोलना है बोलते हैं, और कोई विदेश जाके नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करता है। भाई व्हाई नॉट यू यूज द पार्लियामेंट, व्हाई नॉट यूज योर ओन प्लेटफॉर्म, व्हाई नॉट यू एड्रेस प्रेस टू डू द सेम थिंग इन द सॉइल ऑफ इंडिया। आपको यही बात बताना है कि इंडिया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अंडर थ्रेट, दैट थ्री लाइन यू कैन से इन दिल्ली ऑल्सो। व्हाई यू हैव टू पे सो मच मनी, गो टू अमेरिका, देन यू हैव टू से दिस थ्री लाइन। आपको बोलना है वही दो लाइन बोलना है, तू भी कर दीजिए, पूरा विदेश भी देख लेगा, लेकिन उसके लिए आपको वहां जाने का क्या जरूर है? दैट मींस समबडी इज स्पॉन्सरिंग यू, कोई जज सर्विस टाइप का लोग होगा हु इज स्पॉन्सरिंग यू टू स्पीक अगेंस्ट दिस कंट्री। नहीं, लेकिन वो बोलते हैं, और यहाँ पर लोग कहते हैं, शिवसेना उद्धव गुट हो या तमाम लोग, कि ये बहुत ही मैच्योर राजनेता की तरह उन्होंने बात की है, और कोई भी जो परिपक्व नेता होगा वो ऐसी ही बात करेगा। पता नहीं परिपक्व नेता भारत में क्यों नहीं बोलते, भारत का बाहर ही क्यों बोलना होता है? भारत में क्या परिपक्व नेता नहीं होता है? शायद वो सोचता है कि भारत का ऑडियंस परिपक्व नहीं है, so they goes to foreign in search of a matured audience, so these are discussion between matured leader and matured audience. ye log sochta hai, Uddhav Thackeray ji shayad sochta hai ki for that matured leader he will not get India a matured audience, so hame bahar hi jaake baat karna hai. nahi, lekin maturity par to aap koi sawal nahi, kyunki aapne ek aisa comment kiya tha Amul Baby aur tamam cheeze bolkar jisko lekar bhi vivad khada hua tha, to aapke bayan hamesha vivad khada kar dete hain kai baar. ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आप जान, देखिए जितना मैं जानता हूं, अभी मैं असम का सीएम हूं, और दैट जेंटलमैन इज ऑफ माय एज, अगर मैं जाके असम में बोलूं अभी मैं मैच्योर बनने का कोशिश कर रहा हूं, मुझको तो पूरा मेरा हो गया साफ कि भाई अभी तुम सीएम बन रहे और तुम मैच्योर होने का बात बोल रहे। तो दैट जेंटलमैन हैज बीन गिवन सो मेनी चांसेस टू बी मैच्योर, अभी तो मेरा दया आ जाते हैं, भाई कब मैच्योर्ड होगा? 55 की एज में अब मैच्योर तो हो ही गए हैं। शायद वही है, मैच्योरिटी का मीनिंग क्या है वही लोग जानते हैं। हमारे हिसाब से तो एट 55 यू ट्राई टू टीच योर चिल्ड्रेन हाउ टू बी मैच्योर्ड। आपने, मैं तो अभी बेटा बच्चा को सिखा रहा हूँ भाई कैसे क्या करना है, अगर खुद ही सीख रहा है तो क्या कर सकता है, दे कैन अफोर्ड दैट लॉन्ग ट्यूशन। तो मैं एक बार फिर से असम पर आती हूँ, क्योंकि असम में हम विकास की बात कर रहे हैं और तमाम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनको अभी तक टच नहीं किया जाता। आपने एक और बात की, वो भी असम के दिल से जुड़ी हुई है, आपने कुछ ऐसे सरकार, क्योंकि उस पर काम कर रही है, चाहे वो मदरसों को बंद करने का हो, आपने सीधे ऐलान कर दिया है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ 2 बच्चे पैदा करें, या फिर मदरसों को लेकर आपने एक अल्टीमेटम दे दिया है। ये एक, इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन आपका कहना है विकास से जुड़ा हुआ है, कैसे? देखिए 2-3 बात है कि पहले आई स्ट्रॉन्गली फील कि जो मुस्लिम बच्चे हैं दे डू नॉट डिजर्व मदरसा एजुकेशन, बिकॉज वो लोगों को अगर मुल्ला ही बनना है तो उनका जो पिताजी, उनका जो माँ, इफ यू लिमिट देयर ड्रीम टू दैट एक्सटेंट कि मेरा बेटा का भाग्य में मुल्ला ही बनना लिखा हुआ है, तो मेरे लगता है दिस इज क्राइम अगेंस्ट दोस चिल्ड्रन। अगर 16 साल का बाद इफ दे डिसाइड टू बिकम ए मुल्ला, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज मेरा बेटा को इफ जन्म हुआ 6 साल हुआ, इफ आई पुट देम इन टू ए रॉन्ग स्कूल्स, बाकी जब उनको रियलाइजेशन होगा ही कैनॉट कम बैक। तो आपको सही है मोल्ला, लेट हिम बी मोल्ला आफ्टर 16 इयर्स, लेट हिम टेक नॉर्मल एजुकेशन। सो आई रिमेन ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर एबोलिशन ऑफ मद्रासा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एंड आई बिलीव दैट इंडियन डेमोक्रेसी शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द मुस्लिम चिल्ड्रेन ऑल्सो, एंड वी शुड एक्ट वेरी टफ, वी शुड एक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई आप 16 साल तक वो मत कीजिए, वंस द स्टूडेंट और द बॉय और गर्ल बिकम मैच्योर 18 साल में,
ही और सी कैन टेक ए करियर डिसीजन, आप बोलिए बनिए मुल्ला। नहीं लेकिन मदरसों में रहकर कोई डॉक्टर इंजीनियर क्या नहीं बन सकता? वो तो नहीं बन सकता, डॉक्टर इंजीनियर है कि बन सकता है पता नहीं। तब तो हमारे तो जितना शिक्षा है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको बायोलॉजी चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए मैथ चाहिए। तो हमारे यहाँ में तो कोई मद्रासा में तो हायर सेकेंडरी क्लास 12 में कोई तो मैं नहीं देखा कि मैथ्स का साइंस का लेबोरेटरी वगैरह है, वो तो मेरा नज़र में नहीं आया। शायद ओवैसी साहब का मद्रासा में ऑल दी स्पेशल फैसिलिटीज ही मस्ट हैव एडेड, तो ऐसा ही फैसिलिटी आसाम में भी ऐड कर दीजिए तो झमेला खत्म ही हो जाता है। तो मतलब बंद होंगे मदरसे, ये फाइनल है? नहीं देखिए, गवर्नमेंट मद्रासा तो हमने बंद कर दिया, कौमी मद्रासा के लिए देयर इज अ क्लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन के यू कैनॉट डू सर्टेन थिंग, सो ऑन दैट वी आर वर्किंग विद द पीपल हु रन मद्रासा एंड दे आर कोऑपरेटिंग विद अस कि यस हमें धीरे 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 विल एग्जिट। ये साल में दे वांट टू क्लोज डाउन 300 मोर मद्रासा, और फिर मैंने कानून भी लेके आ रहा हूँ कि आपको ये सुविधा देना पड़ेगा, सो आई थिंक मोर मद्रासा विल बी क्लोज। सो फार एज जो एक मल्टीपल मैरिज का बात होता है, सो फार एज जिसको हम पॉलीगेमी बोलता हूँ, ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर नहीं है। जो नबी ने जो एक इकोसिस्टम बनाया था मुसलमान लोगों के लिए, ही ऑलवेज सेड दैट मोनोगेमी इज द रूल, पॉलीगेमी इज द एक्सेप्शन। भारत का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है कि आप सबको एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ में लेके आइए। तो वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी and we'd like to ban polygamy in Assam by the end of this year. नहीं लेकिन उनके शरीयत में अगर ये लिखा है और जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता तब तक के लिए कैसे होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉ एंड इफ प्रेसिडेंट गिव एसेंट देन इट विल बिकम ए एक्ट। ये जो शरीयत कानून है 1934 का, दैट इज अ सेंट्रल लॉ, बट मैरिज इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। So if we pass the law and if that law is assented by President of India, so that is a valid law. So hamara ek committee bana hua hai, they are examining and they have given me feedback that Assam Assembly within its legislative competence to enact the law, but it has to be assented by President of India. So hame jo karna hai wo zabardasti karna nahi hai, हमें जो करना है विद इन द लॉ करना है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन करना है एंड थ्रू द रूट ऑफ लेजिस्लेशन ही करना है। टूरिज्म सेक्रेटरी से भी आज हमने बात की तो उन्होंने बताया किस तरह फिल्मों को लेकर अब एक हब बनाने की कोशिश है असम में, गुवाहाटी में, कि बाहर से भी फिल्में आए और यहाँ पर शूट करें। मैंने वो आपके ट्वीट्स देखे, उन वीडियोज़ को देखा जब आप पूरी अपनी कैबिनेट के साथ केरला स्टोरी भी देखने गए। इस तरह की फिल्मों को लेकर विवाद होता है और मुद्दे सेंसिटिव होते हैं, उन मुद्दों पर आप अपनी राय भी रखते हैं, क्या इस तरह की फिल्मों को लेकर भी असम में कुछ योजना है कि ऐसी फिल्मों को, क्योंकि बैन की बात चलती है? अभी लास्ट ईयर 4-5 अच्छा फिल्म का शूटिंग असम में हुआ और लास्ट वीक भी बॉम्बे से काफी प्रोड्यूसर मुझको मिलने आया थे, और मेरा लगता है कि असम विल बी अ नेचुरल डेस्टिनेशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज असम का इतना खूबसूरती है और नॉर्थ ईस्ट का इतना खूबसूरती है। ये हमारा ये काम भी हो जाएगा। लास्ट ईयर बॉम्बे का वे बहुत ज्यादा अच्छे सितारा आके असम में अपना फिल्म का शूट किया है। लास्ट वीक ही दोनों अच्छा प्रोड्यूसर मुझको मिल के गया है जी। लेकिन मेरा जो मानना है असम में शूटिंग भी होगा लेकिन असम में टूरिज्म इनफ्लो भी अपने आप बढ़ रहे बिकॉज देर आर लॉट ऑफ बज अबाउट असम एंड नॉर्थ ईस्ट नाउ और अच्छा खासा वृद्धि हो रहा है। लव जिहाद जो मैंने पूछा अभी आपसे, देखिए ये जो केरला स्टोरी का आपने जिगर किया है दैट इज ए बेस्ड ऑन ए फैक्चुअल स्टोरी और आपको इसको डिनाई करने का कोई उपाय नहीं है। पीपुल आर क्वेश्चनिंग ऑन अ नंबर, भले वो नंबर एक हो या 32,000 हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? द स्टोरी इज नॉट समथिंग ए पार्ट ऑफ समबडीज इमेजिनेशन, ये स्टोरी है
और सिनेमा इज ए मीडियम थ्रू व्हिच यू कैन कम्युनिकेट सर्टेन सेंसिटिव इश्यूज इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे. तो वेदर इट इज अ केरला स्टोरी, वेदर इट इज अ कश्मीर फाइल्स, एक भारत का जो रियलिटी है ये बताने का एक कोशिश है. और जब ही भारत का बारे में बोलने का कोशिश होता है, एक सेकुलर और लेफ्ट लोगों से प्रॉब्लम्स आते हैं, वेदर ए राइटिंग हिस्ट्री इन द राइट पर्सपेक्टिव, और आपको जो समस्या है उनका बारे में फिल्म बनाना, बिकॉज दे वॉन्ट टू हाइड द रियलिटी. बट अभी लोगों का दिल में इतना ताकत आ गया है कि नो विल डिफाई देम. पहले एक बात था कि इंटेलेक्चुअली वो आप डिफाई ही नहीं कर सकते हैं, दे हैव बिकम सेल्फ अपॉइंटेड अथॉरिटी. इवन इन असम सर्टेन लेफ्ट स्कॉलर दे वेर बिकम अथॉरिटी विदाउट डेटा, विदाउट सेंस ऑफ हिस्ट्री. तो बन गया था, लोग क्वेश्चन नहीं करता था. नाउ पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन कि भाई आप इसका बारे में आपने क्यों नहीं लिखा, व्हाई यू हैव अवॉइडेड दिस, दे डोंट हैव आंसर. सो केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, मुंबई का ब्लास्ट का ऊपर हो, पुलवामा का अटैक का हो, 26/11 का ऊपर हो, फिल्म बनना सही है. और फिल्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम, सो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए. इसलिए तो मैं तो जाके देख के आया. हेमंत दा, अंत में चलते चलते एक सवाल मैं ऑडियंस से अगर लूं, लेकिन आज आपका इतना बिजी शेड्यूल रहा, हम गुवाहाटी में हैं, आज दिन भर आप मणिपुर में रहे और वहाँ से अपना टाइम निकाल कर आप यहाँ पर आए हैं, लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है. कहाँ में? आसाम में, मणिपुर में. आप क्योंकि वहाँ से आ रहे हैं और लगातार बैठ के कर रहे हैं. मणिपुर में कुछ समस्या है, लेकिन आई थिंक इट विल बी थिंग्स ऑफ पास सून. अच्छा, आज भी मैंने मणिपुर जाके आया, द प्रोसेस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन हैज स्टार्टेड. थोड़ा एक आपको तो मालूम है कि एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसके लिए हम लोग कोई रेडी नहीं था, फॉल आउट हुआ, तो अभी उसको संभालने का प्रयास है. एंड देयर इज आफ्टर होम मिनिस्टर विजिट, थिंग्स आर इम्प्रूविंग. एंड मैंने आज यही जाके देख के आया कि नहीं, पीपुल आर नाउ रेडी फॉर रिकॉन्सिलिएशन. बट तुरंत कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, बट आई थिंक एवरी डे सिचुएशन इज इम्प्रूविंग. मैं ऑडियंस से चाहूंगी अगर एक आध सवाल, लेकिन एक्चुअली वक्त की बाधा है मेरे ख्याल से. हेमंत दा, वैसे तो इतने सारे सवाल आ जाएंगे अगर हम चाहेंगे, लेकिन आप भी इतना बिजी शेड्यूल से निकल कर आए और हम चाहेंगे कि आज का अपना ये जो ये सेशन है, प्लीज. सर थैंक यू, दिस इज उत्पल फ्रॉम एयरपोर्ट. एंड सर, द टोटल पैसेंजर इन 2022-23 इज 5.1 मिलियन, इज गेटिंग डबल ओनली इन 5 इयर्स. That is in 2028-29, it will cross 10 million passengers per annum. So we are accordingly augmenting the facilities. But here, sir, the tax on air turbine fuel is 23.5%. So we have seen the history says that when in Kerala, it was reduced from 25% to 1%. Air in 6 months' time, air traffic has gone by 10%. And in Hyderabad airport, when it was reduced from 16% to 1%, please short. Yeah, ATM has gone by 13%. So do we have any plan for doing that? आप देखिए, जो मेरा बात है कि हमें on VAT and taxation we should go by the government of India's norms. अभी भारत सरकार ने, if you look at the diesel and petrol tax in Assam, we are in the lowest bracket. हमें बंगाल से तो काफी कम है. Even we are, I think from bottom we are at number 4. हमारे taxation is not very heavy. So far aviation is concerned, मेरा लगता है कि अभी हमारा जब तक terminal नहीं होता है तब तक बहुत ज़्यादा flight लाके आपको फायदा नहीं है. तो मेरा प्रयास है कि terminal बन जाए इस साल का end तक, तब हमें देखूँगा. Then we look at it. बहुत बहुत शुक्रिया. और हेमंत दा, हमें उम्मीद है कि 2 साल में आपने जिस मुकाम पर पहुंचा दिया असम को, जो जो आपने टारगेट रखे थे, चाहे वो रोजगार के हों या तमाम, उसको आप अचीव कर रहे हैं. आने वाले दिनों में और ज्यादा असम एक नए असम के तौर पर निखर कर सामने आए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एंड पर्टिकुलरली फॉर हैविंग दिस कॉन्क्लेव राइट इन गुवाहाटी. थैंक यू.
Thank you very much, Honorable Chief Minister. Ladies and gentlemen, a huge round of applause as I quickly call upon stage Ankur Lohati, RNU head DDSM, to propose vote of thanks. Thank you, Sakal. Sir, main, good evening, sir. एक्चुअली सर हम कॉन्क्लेव सुबह से 10 बजे से कर रहे हैं एंड इनफैक्ट यदि एक क्वेश्चन सुबह से किसी ने पूछा है तो वो ये पूछा है कि सीएम सर कब आ रहे हैं, कितनी बजे आ रहे हैं या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीपेस्ट रिगार्ड टू द ऑनरेबल सीएम सर फॉर हैविंग ग्रेस दिस ओकेजन एंड इनफैक्ट डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल ही कुड मैनेज टाइम फॉर दूरदर्शन. दिस शोज द इम्पॉर्टेंस ही अटैचेस टू दूरदर्शन. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल सीएम. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे गुवाहाटी से, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्वोत्तर का उदय विषय पर जो डीडी कॉन्क्लेव है उसमें उनसे खास बातचीत आप सुन रहे थे. इस खास पेशकश में इतना ही, आगे देखेंगे हम खास प्रोग्राम चर्चा में.